नमस्कार। पेट में होती हुई भयंकर गैस और एसिडिटी का इलाज। अगर आपका पेट लगातार फूल जाता है, जैसे ही खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूलना चालू हो जाता है, आपको एकदम से सीने में भारीपन भी आता है, अगर खाना खाने के बाद आप किसी से बात करना चाहें, बोलना चाहें, तो आपकी हाफनी सी खुलने लग जाती है, अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है खाना खाते ही पेट में गैस बनना चालू हो जाती है। और इस गैस के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे विशेष जो गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, उनको सबसे पहले बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर जो गैस बनाने वाला है वो होती है बीन्स। तो बीन्स जितनी भी आती है इनको आप छोड़ दीजिए। दूसरे नंबर पर दालें, दालों में जितनी भी दालें हैं अगर आप खाते हैं तो निश्चित ही दालें एकदम से पचने में भारी होती हैं, वो गैस बनाने का काम कर सकती हैं। स्पेशली उड़द की दाल और जिसको अरहर की तुअर की दाल बोला जाता है, वो बिल्कुल भी उपयोग में ना ली जाए अगर आपके पेट में गैस बनती है या फिर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या रहती है। तो इसके अलावा गोभी और प्याज, ये दो चीजें और बहुत तेज गैस बनाने का काम करती हैं, तो इन चीजों को सबसे पहले आप छोड़ने की प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। इन चीजों को अगर आप नहीं लेंगे, इनका परहेज करेंगे, निश्चित ही गैस बनने की टेंडेंसी जो आपकी है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर गैस बनती है तो सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, आप अजवाइन, सौंफ और साथ में जीरे का काढ़ा ले लो। तो अजवाइन, सौंफ और जीरा, अगर आप तीनों को मिलाकर के इसका पाउडर बना के रख लो और इसमें से एक चम्मच पाउडर आधा ग्लास पानी में डाल करके उबाल करके इस पानी को अगर पिएंगे, तो भी कहा जाता है कि पेट अगर भारी होता है तो उस पेट के भारीपन में इस काढ़े को लेने से बहुत अच्छा आराम हो जाता है। तीसरी चीज जो है वो है एप्पल साइडर। एप्पल साइडर विनेगर जो आता है, सेव का सिरका जिसको बोला जाता है, अगर आपको पेट में खाना खाने के तुरंत बाद भारीपन लग रहा है, आप वो एप्पल साइडर सेव का सिरका ले लीजिए, लगभग 7 से 10 ml एक कप पानी में घोल करके पी लीजिए। अगर आप खाने के तुरंत बाद लेना चाहें तो 7 ml के आसपास उसको 10 से 15 ml पानी में घोल करके पी लीजिए। ये भी आपके पेट के भारीपन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा होता है अदरक का टुकड़ा। सामान्य तौर पर आप सबने ये देखा होगा कि सामान्यतः ये कहा जाता है कि अगर आपको पेट में भारीपन लग रहा है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के थोड़े से नमक के साथ में उसका रस लार के साथ अंदर जाने दो, तो पेट के भारीपन को कम करने का काम करता है। साथ में एक चीज ये भी कही गई है, ये आयुर्वेद में शास्त्रोक्त है, कि अगर आप भोजनाग्रे सदापथ्यम, अगर आप भोजन के पहले अदरक और लवण मतलब नमक मिलाकर के थोड़ा सा चूस लेते हैं तो ये भूख वर्धक माना जाता है। भोजनाग्रे सदापथ्यम लवण अदरक भक्षणम, अगर नमक और अदरक का थोड़ा सा उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए भोजन करने के पहले अगर आप लेते हैं तो भूख वर्धक माना जाएगा, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मानते हैं इसको। इसको अदरक का उपयोग, अदरक भी अगर आप चूसते हैं या अदरक और नमक का अगर थोड़ा सा आप एक टुकड़ा थोड़ा सा नमक डाल करके चूस लेते हैं तो ये भी आपके गैस को कम करने में हेल्प करेंगे। अब ये तीन चीजें जो है, एक तो ये छोड़ने वाली है परहेज और ये तीन चीजें लेने वाली है। अगर आप इनका उपयोग करते हैं गैस में आराम होगा, लेकिन अगर आपको गैस के साथ पेट में गर्मी है कि एसिडिटी भी है और गैस भी है। अब कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पेट में गर्मी थी, गैस बनती थी और पेट में जलन भी होती थी, हमको कह दिया अजवाइन ले लो, घोल घोल करके हम लेते रहे और हमें तो गैस्ट्राइटिस हो गई, इरोसिव गैस्ट्राइटिस हो गई और कई तो कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर हो गए, क्योंकि निश्चित ही अजवाइन जो है तासीर में गर्म है और अजवाइन की गर्मी पहले से पेट गर्म था उसमें और गर्मी जाएगी तो निश्चित ही अजवाइन भी नुकसान करेगी, एप्पल साइडर भी नुकसान करेगा और ये जो अदरक है ये भी नुकसान करेगा। अब हम समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो पाचन की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं वो दो तरीके से बिगड़ रही हैं। एक तो जो अपच, जिसको इंडाइजेशन बोल सकते हैं, अपच बोला जाता है जिसे,
ये दो तरीके से गड़बड़ करती है। एक तो होता है हाइपोक्लोरहाइड्रिया, जिसको बोला जाता है लो स्टमक एसिड, हाइपोक्लोरहाइड्रिया। मैंने वीडियो बना रखा है लो स्टमक एसिड बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा या हाइपोक्लोरहाइड्रिया बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें लो स्टमक एसिड मतलब स्टमक एसिड जो है वो कम है। अगर स्टमक एसिड कम है तब आप इन चीजों का उपयोग करेंगे तो गैस में आपके बहुत अच्छा आराम होगा, कोई नुकसानदायक नहीं है फिर ये चीजें। लेकिन दूसरा केस होता है जहां होता है हाइपर क्लोरहाइड्रिया, हाइपर मतलब क्लोरहाइड्रिया मतलब HCl का सीक्रेशन जहां ज्यादा होना चालू हो जाता है। अब HCl पहले से ज्यादा आ रहा है, ऐसे केस में आपने एप्पल साइडर भी ले लिया या फिर अजवाइन ले ली या फिर अदरक गरम ले लिया तो ये, या मेथी ले ली या फिर गर्म तासीर की कोई भी चीज खाई या पी, तो डेफिनेटली ये HCl सीक्रेशन बढ़ेगा और इसकी वजह से पेट में एसिड का सीक्रेशन अगर बढ़ेगा तो पेट में जलन आना चालू हो जाएगी। हाई एसिड कंटेंट जो है वो आपके पेट में इन्फ्लेमेशन करने का काम करेगा और वो इन्फ्लेमेशन आपके स्टमक के लिए गैस्ट्राइटिस क्रिएट करके आपके पेट में एकदम से गैस बनाना चालू कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, अगर आपको ऐसी वाली कंडीशन आ जाए कि आपके पेट में भयंकर गैस है साथ में एसिडिटी है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी आपको कि आप खाने को बहुत ज्यादा चबा के खाएं। आपको इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, इंडाइजेशन नहीं हो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इंडाइजेशन होने का मतलब क्या है, इंडाइजेशन किसका हो रहा है, यहां से जो हम खा रहे हैं वो जो स्टमक में आ रहा है अगर उसको यहां पहुंचने के बाद ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पाचक रसों के साथ, अगर मान लो यहां से पाचक रस नहीं निकल पा रहे हैं तो इसकी वजह से ये इंडाइजेशन होगा। अब क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि यहां से जो खाना खाया गया मुंह से उस खाने को बहुत चबा करके नहीं खाया गया, और बहुत चबा के नहीं खाया गया तो स्टमक कोशिश करता रहता है कि पहले इसको सिंपलर वंस में तोड़ता रहे, खाना यहां आके पचेगा ही नहीं ढंग से, क्योंकि मुंह का काम जो दांतों का काम था वो दांतों से नहीं लिया गया, तो अब आमाशय दांतों के काम को करने का प्रयास करेगा जो कि सफल नहीं हो पाएगा पूरे तरीके से, तो गड़बड़ होना चालू हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आप खाने को ज्यादा से ज्यादा चबा के खाना चालू कर दो अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो। दूसरे नंबर पर आप कोशिश करो बहुत ज्यादा मोटे आटे की रोटी का उपयोग करना है, सब्जी बिल्कुल कम मिर्च मसाले वाली होनी चाहिए, और सब्जियों में लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, ये जो चीजें हैं इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो। और फिर साथ में कोशिश यह भी करनी है कि आप ताजे से ज्यादा मात्रा में ताजे फलों का उपयोग करें और ताजा बना हुआ खाना ये उपयोग में जरूर लें, इससे आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा। इसके साथ में पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिया जाए, ज्यादा मात्रा में पिया गया पानी, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि पानी तो आपके स्टमक एसिड्स को लो कर देगा, अब स्टमक एसिड अगर लो है ऐसे केस में ज्यादा पानी पिया जाएगा तो थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, लेकिन यहां तो स्टमक एसिड पहले से बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में होते हैं तो आप ज्यादा पानी पिए, ज्यादा पानी पी के आप जो एसिड सीक्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर सकते हैं, वॉश ऑफ हो सकता है वो एसिड। और इसके साथ में कोशिश ये भी करनी है कि आप खूब व्यायाम करें, व्यायाम में ज्यादा से ज्यादा टहलना गैस बनने के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। ज्यादा टहलने का मतलब होता है कम से कम 4 किलोमीटर टहला जाए, टहलने के बाद में डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करी जाए, डीप ब्रीदिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा आप कोशिश करें कैसे भी करके प्रकृति के आसपास रहने का प्रयास करें, जैसे टहलने जा रहे हैं तो ट्रैक वॉकिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। भोजन में तसल्ली से भोजन किया जाए, जल्दी में ना खाया जाए, बहुत आराम से लेकिन बहुत चबा चबा करके भोजन किया जाएगा अगर, तो ये मान लीजिए आपकी ये गैस बनने की समस्या धीरे धीरे करके पूरे तरीके से खत्म होना चालू हो जाएगी। तो बेसिक पॉइंट्स क्या रहे, समस्या अगर आपको गैस की एसिडिटी की है तो आप एक तो खाने को बहुत चबा के खाइए, खाने में कोशिश करिए नेचुरल फूड जो होता है, सात्विक प्रकृति का भोजन है उसका उपयोग करिए, ज्यादा मात्रा में पानी, लेकिन पानी को बिल्कुल सिप कर करके, चाय की तरह सिप कर करके पीना है, और खूब सारा व्यायाम, व्यायाम में टहलना, और टहलने के बाद
थोड़ी देर के लिए प्राणायाम में अगर डीप ब्रीदिंग के पहले अनुलोम विलोम भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो पहले अनुलोम विलोम कर लिया, बेशक 3 से 5 मिनट कर लिया, और उसके बाद डीप ब्रीदिंग में आप कम से कम 100 बार डीप ब्रीदिंग करिए। बहुत इफेक्टिवली ये चीज आपके काम में आएगी। अगर आपको गैस से समस्या है, आप बहुत ज्यादा अगर परेशान हैं, इन चीजों का उपयोग करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आपको अगर ये लगे कि वीडियो उपयोगी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करिए, और आप अपने आप का पूरा ध्यान रखें। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हैं लंबे समय से, वो ठीक नहीं होने में आ रही है, वो बाल झड़ने से लेकर के एड़ी के दर्द तक कुछ भी अगर कोई समस्या है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। आइदर पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो समस्या के ऊपर बना दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो पर्सनली कॉन्टेक्ट करना चाहें तो पर्सनल कंसल्टेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।